हम ये कहेंगे कि ये सेल का पोस्ट ऑफिस होता है। आप बेटे गैस कर सकते हैं कि हम इसको सेल का पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं? देखिए, हम बड़ी आसान सी बात क्यों करते हैं कि जब कभी भी किसी दौर के अंदर जब हम कभी 1898 की बात करते हैं, तो आपने कोई चीज़ भी एक शहर से अगर दूसरे शहर में भिजवानी है तो वो आपके घर से तो डिस्पैच हो जाती है, वो घर से पोस्ट ऑफिस तक जाती है और पोस्ट ऑफिस उसके बाद उसको किसी दूसरी सिटी में डिलीवर कर देता है। मतलब मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास ये एक सिटी है और ये कोई दूसरी सिटी है और आपके इस ए होम से ये कोई पार्सल निकलता है और ये निकलने वाला पार्सल सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है, पोस्ट ऑफिस इसकी मार्किंग करता है और मार्किंग करने के बाद इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है कि इस पार्सल को इधर आपने सिटी के अंदर भेजना है या इसको सिटी से बाहर भेजना है। कोई भी चीज़ जो कि सिटी के अंदर ट्रेवल करनी है या सिटी से बाहर ट्रेवल करनी है, उसको ज़रूरत है पोस्ट ऑफिस की, उसकी मार्किंग की, उसकी टिकट की, और उसके बगैर उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरीके से बेटे, एक ऐसी चीज़ जो कि इस सेल में सिंथेसाइज हुई है और उसने आया सेल के अंदर मूव करना है और मोस्ट प्रोबेबली सेल से बाहर मूव करना है, तो उसको पास आउट करना पड़ेगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो अगर तो यूजली सेल के अंदर चीज़ें मूव कर रही हो तो उनको गोल्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि आपके पास वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी सेल से बाहर जाना होता है तो उनको उससे एसोसिएटेड मार्कर्स अटैच करने पड़ते हैं और वो मार्कर्स अटैच करने का काम ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल यानी गोल्जी बॉडी कर रहा होता है और इसकी बेस पर वो सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में चीज़ें रिलीज हो रही होती हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आप अगर यूं कहें कि आपके पास जितनी भी सेलुलर सेक्रीशंस हैं वो तमाम की तमाम सेलुलर सेक्रीशंस बेटे गोल्जी बॉडीज की बेस के ऊपर होती हैं। या अगर मैं ये बात करता हूँ कि सेलुलर सेक्रीशंस के अलावा बात की जाए, तो हम लोग ये कह रहे होते हैं कि सेलुलर सेक्रीशंस के अलावा जितनी भी सेलुलर पैकेजिंग है यानी जो चीज़ भी सेल से बाहर रिलीज होनी है उसकी पैकेजिंग होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी पैकेज्ड। जब तक आप उसको पैकेज नहीं करोगे वो रिलीज़ नहीं हो रही होगी या बहुत बहुत फेवरेबली फॉर्म के अंदर रिलीज़ नहीं होती। अच्छा, क्या वजह होती है कि ये बहुत फेवरेबली फॉर्म के अंदर रिलीज़ नहीं हो पाते? उसकी रीज़न मेरे बेटे असल में ये होती है कि आपके पास ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड बायलेयर होती है और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी असल में लिपिड बायलेयर होती है, तो लिपिड बायलेयर के साथ मिलकर आसानी से उसको रिलीज़ कर सकती है क्योंकि वो लाइक डिजॉल्व लाइक वाली एक्टिविटी आ जाती है उसके अंदर। तो इस वजह से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एक्सपोर्ट समथिंग आउट दैट इट शुड बी पैकेज इन द मेम्ब्रेन एंड इट इज़ नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड द एंजाइम्स एक्सेट्रा और पीएच, वो सारी चीज़ें उसको डैमेज नहीं करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब कभी हम लोग यहाँ से आगे मूव करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि बेटे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन चलता है विच इज़ नेम्ड एज ग्लाइको साइलेशन। वट इज़ एक्चुअली ग्लाइकोसाइलेशन? तो हम कहते हैं जी, अगर आपके पास यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को मिलाकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना देते हैं, यानी प्रोटीन की बेसिकली ग्लाइकोसाइलेशन होती है और ये ग्लाइको प्रोटीन्स में चेंज हो जाती है। या मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास लिपिड्स मौजूद हैं और लिपिड्स के साथ हम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकेन्स अटैच कर देते हैं तो ये आपके पास ग्लाइको लिपिड्स में चेंज हो जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट कि द थिंग्स आर बीइंग चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिर उसके अलावा हम आखिर पे ये बात कर रहे होते हैं कि आपका इसका सबसे अहम काम यह है कि ये प्लांट की सेल वॉल की सिंथेसिस भी करती है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट सवाल ये पूछते हैं कि सर किताब में एक जगह पर उसने ये लिखा है कि
प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस करता है। तो बेटा प्रोटोप्लाज्म उसने ओवरऑल ये लव्स को इस्तेमाल कर दिया है, जब कभी आप मोर प्रिसाइजली आएंगे तो आपकी सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए मोर प्रिसाइजली गोल्जी बॉडीज इन्वॉल्व होंगी। इस वजह से प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज इसकी सिंथेसिस में रोल प्ले करती हैं। मोर ओवर आप यहाँ से आगे निकलते हो तो हम ये कहते हैं कि मेरे बेटे आपके पास कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि उनके मैसेंजर आरएनए यहाँ से निकलते हैं और वो ट्रेवल करके यहाँ पर आते हैं। हमें पता है कि ये वो सरफेस है जो कि इनक्राउडेड विद राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर प्रोटीन की तैयारी होती है। ये प्रोटीन सैक यहाँ से रिलीज होता है और ये प्रोटीन फिर जाकर यहाँ पर मॉडिफाई होती है। ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं गोल्जी बॉडीज़ के, जहाँ पर से ये प्रोटीन मॉडिफाई होकर निकलती है और आपके पास इस तरह का एक सैक डेवलप करती है, विच इज एक्चुअली टर्म्ड एज ए लाइसोसोम। यानी इसके अंदर एक प्रोटीन है और ये एक सैक है जो यहाँ से मैच्योर फॉर्म में रिलीज हुआ है। हम इसको नाम देते हैं कि जनाब ये हमारे लिए एक प्राइमरी लाइसोसोम है। अच्छा, जैसा कि ना बेटे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हम जब कभी हम बात पढ़ते हैं ना आपके पास लाइसोसोम की, तो हम ये कहते हैं कि देखें लाइसोसोम्स क्या बॉडीज होती हैं। तो नाम से ये इंडिकेट होता है कि दीज आर स्प्लिटिंग बॉडीज, ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो स्प्लिशन करवाती हैं। अच्छा, हम यहाँ अब तक बात को ख़त्म नहीं करते हैं। हम कहते हैं आप इसको स्प्लिटिंग बॉडीज़ कहना चाहते हैं, आप ज़रूर कहिए बेटे। हम लोग इनको सेल के सोल्जर्स भी कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली ये सेल के सोल्जर्स होते हैं, सेल की प्रोटेक्शन करने में ये काम करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि भाई आपके सेल के जब सोल्जर हैं, इसका मतलब है कि ये सेलुलर डिफेंस करते हैं। जितना भी सेलुलर डिफेंस मौजूद है वो सेलुलर डिफेंस इन्हीं लाइसोसोम्स की वजह से होता है। और सबसे बड़ी बात मेरे बेटे ये है कि आपके पास सेल के अंदर जितनी भी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से मेजर एंजाइम्स जो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटीज़ के मौजूद हैं वो इन्हीं लाइसोसोम्स की सूरत में मौजूद होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जी दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज सैक्स विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। यानी यहाँ पर ये वो सैक्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। हम कहते हैं क्या शर्त है कि वो चीज़ लाइसोसोम बनेगी? भाई सबसे बड़ी शर्त ये है कि उसके पास कम से कम दो हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद होने चाहिए और वो आपके पास एसिडिक पीएच कंटेन करता हो। जैसे आप वो कह रहा होता है कि जी यहाँ पर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई ये 40 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। आप मोस्ट रिसेंट किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 40 कोई फिगर नहीं है, 50 से भी ज़्यादा एंजाइम है जो कि हमें लाइसोसोम्स के अंदर मिले हैं। और ये सेल के अंदर अगर बर्स्ट हो जाते हैं तो उस सूरत में ये सेल को ब्रेक कर देते हैं और इसी वजह से हम इनको सुसाइड बैग्स का भी नाम देते हैं। सुसाइड बैग्स भी इन्हें कहा जाता है। मोर ओवर एज वी नो दैट कि ये आपके पास 1949 के अंदर डी ड्यूव ने फाइंड आउट किए थे, इस वजह से इनको हम लोग, और नेविकॉफ वगैरह की भी इसमें रीज़न हमें आती है, लेकिन चूँकि हम लोग चूँकि बहुत साइज की तरफ चल रहे होते हैं इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जी इनको हम लोग डी ड्यूव बॉडीज़ का भी नाम देते हैं। सो लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नेम्ड एज डी ड्यूव बॉडीज़। वैसे अगर आप डिस्कवरी में देखें तो जो नेविकॉफ वगैरह लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बहरहाल हम बहुत ज़्यादा
डिटेल में नहीं जाते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जी प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम्स होते हैं जो असल में इनएक्टिव लाइसोसोम्स हैं, और ये लाइसोसोम्स एक्टिव